अगली खबर रीवा से। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर रीवा जिला पटवारी संघ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पटवारी संघ रीवा की सदस्यों ने बताया कि मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी अपनी वेतन विसंगति से क्षुब्ध होकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के अन्य जिलों की भांति रीवा जिले के पटवारी भी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के साथ हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ रीवा के द्वारा 4 मई 2023 को उपस्थित होकर ज्ञापन दिए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन के संबंध में संशोधित आदेश अनुसार महाअभियान की घोषणा की गई है। जिले भर के पटवारियों को उस कार्य को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिस कार्य को पूर्ण करने में पटवारी अक्षम है या पूर्व में ज्ञापन के माध्यम से प्रकट कर चुके हैं। सीमांकन के संबंध में आ रही व्यवहारिक एवं आदेशगत विसंगतियों में CLR द्वारा जारी सीमांकन प्रतिबंधित किया जाना है, लेकिन इसमें पर्याप्त मशीनें उपलब्ध न होना प्रमुख कारण है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी संघ के बैनर तले रीवा जिले के समस्त पटवारी सामूहिक अवकाश लेकर सक्षम अधिकारी के सामने उपस्थित होकर उन्हें स्मरण कराना चाहते हैं कि 2800 ग्रेड वेतन मान के आदेश के अभाव में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले मध्य प्रदेश का प्रत्येक पटवारी धारा 129 के तहत नवीन संशोधन के तहत सीमांकन कार्य से अलग रहेंगे। कुछ ऐसे बोलिए आप लोग जी। हम लोग पूरे जिले के पटवारी एकत्र होके अपनी मांगों के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। यहां से एक आदेश जारी हुआ था 20 तारीख को सीमांकन का महाअभियान, जिसमें प्रत्येक पटवारी को 3 सीमांकन करना था, जबकि हम लोगों ने बीते 5 तारीख को 4 तारीख को ज्ञापन दे रखा है कि हम लोग 129 के अधीन जो संशोधन हुए हैं उसके तहत सीमांकन नहीं करेंगे, और उस ज्ञापन के बाद ये जो आदेश हुआ था उसके खिलाफ हम लोग कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे कि हम लोगों को मजबूर ना किया जाए। इस काम को हम लोग अकेले करने में सक्षम नहीं है, चूँकि सीमांकन का काम बहुत सेंसिटिव होता है। जिस तरह डॉक्टर ऑपरेशन करता है ऑपरेशन थिएटर में, उसके सहयोगी नर्स और ये होते हैं सब होते हैं ना, ऐसे ही सीमांकन होता है। वहाँ थोड़ी सी भी चूक हुई तो लाठी भी चल सकती है, गोली भी चल सकती है, कुछ भी सीमांकन काम के बस का नहीं है। इसलिए सदैव से आ रहा है चैनवारी चौकीदार 4-5 लोग मिलके गाँव में एक सीमांकन किया करते थे। सीमांकन प्लॉट का सीमांकन अलग मैटर है, वो दिन में 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन गाँव में जो सीमांकन 2-2, 4-4 लोग मिलकर दिन भर करते हैं, तब जाके कहीं पूरे हो पाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि एक दिन हो ही नहीं पाते, 2-2 दिन लग जाते हैं। कलेक्टर से मिलने के बाद क्या जवाब आया? अब उनका कहना यह था कि भाई 3 नहीं कर सकते तो आप 2 करो। हम लोग कह रहे हैं जब तक हम लोगों के संबंधी आदेश नहीं होगा, हम लोग पूरे प्रदेश के पटवारी सीमांकन कार्य से ही व्यस्त रहेंगे, सीमांकन काम करेंगे ही नहीं। चूंकि सीमांकन का काम आरआई का था, उनका रेट 2800 था, जब वो काम हमसे कराया जा रहा है तो हमको भी 2800 रेट पे पहले दिया जाए और संसाधन दिए जाए, तभी हम सीमांकन करने की बात सोचेंगे। सुरेश शुक्ला भाई, आज आप लोग संभागीय कलेक्ट्रेट में हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हमारी वेतन विसंगति दूर करने की है। यहाँ पे हमको पटवारियों को सीमांकन का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन हेतु ना तो समस्त सुविधाएं प्रदान की गई है, ना प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, ना ही वेतन मांग। प्रशिक्षण के अभाव और संसाधनों के अभाव में हम सीमांकन करने में अक्षम हैं। आप इसको स्थगित अभी रखेंगे जो अभी डेट डिसाइड किया गया है सीमांकन के लिए? हाँ, हम 3 दिन के सामूहिक अवकाश पे हैं। रीवा जिले के समस्त पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश में हैं। कलेक्टर से मुलाकात के बाद क्या उनका जवाब था? मैडम का जवाब था कि मैडम को भी ये समझ में आ रहा है कि हमारा वेतन हमारे काम के मुकाबले वाकई काफी कम है, और मैडम ने आश्वासन दिया है कि वो शासन को लिख के और वेतन मान में संशोधन की बात कहेंगी। आकांक्षा सिंह नहीं, लेकिन सीमांकन का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब हम हड़ताल पे नहीं है, हम 3 दिन के अवकाश पे हैं। गेट पे नहीं तो सीमांकन नहीं, प्रदेश स्तरीय मांग है। जी जी, ये प्रदेश स्तरीय मांग है। ये सीमांकन का कार्य आरआई महोदय का है, जिनको 1 साल का प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है। अब यह हमको अधिकार दे दिया गया है, लेकिन ना तो उसका वेतन मान दिया गया है, ना ही संसाधन दिया गया, ना प्रशिक्षण दिया गया।